हेलो दोस्तों आपका स्वागत है जियो एकेडमी में ये एम बी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है इंग्लिश का ओल्ड पेपर जो कि 2018 हज़ार अठारह में जो एग्ज़ाम हुआ था ठीक है तो ये फाइनल आंसर की रहेगी ठीक है और इंग्लिश का रहेगा ठीक है ये देखो इंग्लिश का और इन डिटेल में वीडियो बना दिया है कि सेट और नेट के लिए सेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अब जियो एकेडमी uh, चैनल पे जाकर के देख सकते हैं ठीक है तो चलो मैं म्यूट म्यूट रहूँगी मतलब मैं कुछ बोलूँगी नहीं ठीक है जो ब्लैक हाइलाइटेड uh, है वो आंसर है है ना और मैं बता देती हूँ क्योंकि क्या वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाना चाहती देखो ये क्वेश्चन हो गया ठीक है और ये हो गया आंसर जो हाईलाइटेड है वो आंसर है ठीक है तो चलो ये क्वेश्चन और ये आंसर ये क्वेश्चन ये आंसर इसी तरीके से आप लोग देखते हो मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी आप लोग देखते जाना क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंदी नहीं नहीं बनाऊँगी आप लोग भी परेशान हो जाओगे और मैं भी इधर परेशान हो जाऊँगी ठीक है आप लोग देखते रहना आंसर क्या है एक बार समझ गए ना आप जो हाईलाइट है ब्लैक में हाई है एक मिनट में दिखा देती हूँ जैसे ये हाईलाइटेड है ये वो आंसर है और क्वेश्चन ये है ना चलो मैं स्कॉल करती जाऊंगी आप लोग देखते जाना जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ बोलना चाहिए तो मैं वहाँ पे बता दूंगी ये डिलीटेड क्वेश्चन है मतलब इसका क्या हुआ था ऑप्शन कुछ गलत दिया गया कि फिर क्वेश्चन ही गलत पूछा गया होगा इस वजह से डिलीटेड uh, कर दिया गया ठीक है ना आप लोग समझ गए ना अच्छे से एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि बार बार uh, बताऊंगी ना तो आप लोग तो भी परेशान हो जाओगे ये हाईलाइटेड वाला आंसर uh, है और ये क्वेश्चन है टू हंड्रेड क्वेश्चनस रहेंगे इसमें ठीक है देखो डिलीटेड हो गया वैसे भी आपको अच्छे से दिखाई दिख दिख जाएगा कि कौन सा आंसर है कौन सा क्वेश्चन है पूरा डिटेल में बताया है वीडियो कि कितने मार्क्स का रहेगा कैसा रहेगा सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने मैं कुछ नहीं भूलूंगी आप लोग देखते जाओ वैसे आप इसे एमपीपीएससी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो डोंट वरी वन एलेवन तक पहुंच गए हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से बारीक से पढ़ना क्योंकि कभी भी नोट लगा रहते हैं और आप सोचते हो कि नहीं ये सही का पूछ रहा है तो इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पहले पढ़ो फिर ऑप्शंस देखो उसके अकॉर्डिंग ही आप लगाओ कभी भी क्या होता है हम बहुत ओवर स्मार्ट बन जाते हैं हमें लगता है नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है मतलब बहुत सारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम में मतलब नॉट तो देखते ही नहीं है फिर तुरंत गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं और फिर हमारा नंबर कट जाते हैं तो ये काम नहीं करना आपको थोड़ा सा और कर देते जिससे कि आप अच्छे से देख पाओ एक मिनट कहाँ से छोड़ा था यहीं से ना वो रिटर्न प्ले आज स्ट्रीट कार नेम डिजायर तो उसका आंसर क्या है ये ठीक है वैसे तो वैसे वैसे तो आप लोग तो बहुत समझदार रहे हैं इसमें कोई वो नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन है कौन सा किसका आंसर है ठीक है ना हाँ लेकिन जो ये है जो आंसर दिया गया है वो फाइनल आंसर है ठीक है ना एम की एम ने नहीं माना है देखिए बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए नेट नेट जैसा क्वेश्चन कहीं नहीं है यहाँ पे इतने बड़े मतलब ऑप्शन रहते हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तो वन सिक्सटी सिक्स तक पहुँच गए हम लोग वन सेवेंटी वन इ दिदिलेटे वन एटी फोर वन एटी सिक्स एक मिनट वन नाइंटी टू वन नाइनटी थ्री ये टू हंड्रेड क्वेश्चन कंप्लीट हुए थैंक यू